बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 22 मार्च को फैसलाबाद में एक मोटरसाइकिल सवार जिसका नाम आसिफ इशफाक था पतंग की डोर फिरने से हलाक हो गया था। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन वीडियो को किसी ने गौर से देखा ही नहीं। हालांकि मुबैना कातिल इसी वीडियो में मौजूद है। ये मुबैना कातिल ये बच्चा है जिसकी डोर फिरने से आसिफ इशफाक हलाक हुआ था। आसिफ इशफाक के मोटरसाइकिल से गिरने के फौरन बाद ये बच्चा वहाँ से भाग जाता है, ऐसा क्यों? तफसील में जाने से पहले ये जान लीजिए कि आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अपने वालिद नवाज शरीफ के हमरा पतंग की डोर फिरने से मरने वाले आसिफ इशफाक के घर गए और लवाहिकीन को दिलासा देते रहे। हालांकि होना तो ये चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब फौरन हुक्म जारी करती कि जिस शहर में पतंग और डोर नजर आए, अवाम उसकी वीडियो बनाकर हुकूमत को व्हाट्सएप करे और जिस शहर की वीडियो हो उस शहर के पुलिस अफसरान को फौरन मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन बजाय एक्शन लेने के हमारे हुक्मरान लवाहिकीन को दिलासा देने पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं इस वीडियो की तरफ, तो इस बच्चे की हरकत सकनात को नोट करें। आसिफ इशफाक जब मोटरसाइकिल पर सवार आ रहा था तो ये बच्चा सड़क पर खड़ा मुबैना तौर पर पतंग की डोर पकड़े हुए था। जैसे ही आसिफ इशफाक के गले पर डोर फिरती है और वो नीचे गिरता है तो ये बच्चा पहले तो आसिफ इशफाक की तरफ भागता है, लेकिन जब आसिफ इशफाक के गले से खून निकलता देखता है तो फौरन वहां से भाग जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बच्चा ही आसिफ इशफाक का मुबैना कातिल है जिसकी डोर फिरने से वो हलाक हुआ। पुलिस की तफ्तीशी टीमों को इस बच्चे को तलाश करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि बाकी तमाम लोग मरने वाले आसिफ इशफाक की तरफ भागते हैं, जबकि ये वाहद बच्चा ही था जो वहां से फौरन रफू चक्कर हो गया था।